बोलो सरस्वती माता की जय। श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का संसार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है कि एक पत्नी तीन पुरुष, बताओ किसके साथ होगी शादी। कहने का अर्थ, एक महिला तीन पुरुष, किसके साथ होगी बताओ शादी। आपको ले चलते हैं, एक शहर था राजा जनकपुरी, वहाँ एक मुसाफिर रहता था, उसका नाम था, लोग उसे तीरंदाज तीरंदाज कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो बहुत ही तीर धनुष विद्या में तेज था और निशानेबाज था। वो रोज अपनी पत्नी थी उसकी उसकी जो नाक में नथ होती थी उसको निकाल के उसके उसमें से निशाना मार के और अपना तीर चलाता था। रोज प्रतिदिन ऐसा करता था और उसके बाद भी अपनी पत्नी से पूछता था, बताओ मुझ जैसा कोई वीर उस दुनिया में है। तो पत्नी बिचारी कह देती थी डर के मारे कि हाँ, आपके सिवा इस दुनिया में कोई वीर नहीं है। रोज ऐसे चलता रहा। एक दिन पत्नी कहा कि अगर निशाना इनका चूक गया तो मेरी तो नाक फट जाएगी। फिर उसने पड़ोस की महिला को बताया कि मेरे पति ऐसा रोज करते हैं। बाद में तभी पड़ोस की महिला ने कहा, आपके पति बाद में क्या पूछते हैं? तो उसने कहा, हाय हमारे जैसा कोई वीर। तब उसने महिला ने कहा कि अगर आज आपसे वो पूछें तो आप कह देना कि आप जैसे बाहर दुनिया में बहुत वीर पड़े हैं। फिर आज तीरंदाज ने जब तीर चलाया उसके बाद पूछा कि है कोई हमसे वीर, तो उन्होंने उनकी पत्नी ने कहा, आप जैसा वीर दुनिया में बहुत पड़े हैं, बाहर निकल कर देखो। आप तीरंदाज को सनक गई। उसने सोचा कि चलो मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। तुरंत वो बाहर चल दिया, चला चल एक शहर पना से दूसरे शहर पना, दूसरे शहर पना में तीसरे शहर पना उसमें पहुँच गया और देख रहा है कि एक पहाड़ी पर एक व्यक्ति बैठा है और वो दूर से देख रहा है कि अब गिरा, थोड़ी देर में जीत हो जाएगी, तुम्हारी नहीं बाएं वाली की होगी, नहीं दाएं वाली की होगी, ये कह रहा था। उधर तीरंदाज थे, वो नीचे जो जा रहे थे, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा कि दूर दूर तक कोई नहीं है, फिर ये किससे कह रहा है। फिर वो वहाँ रुक गए, उस व्यक्ति से बोले, भैया इधर आओ। तो वो बोला, अभी 5 मिनट रुको, हार जीत हो जाए फिर मैं आऊँगा। तीरंदाज बोले, भैया आप कहाँ कुछ देख रहे हो, वहाँ तो कुछ है नहीं। कह रहे, भैया हमें 500 कोस दूर का दिख रहा है, ये युद्ध है जो 500 कोस दूर हो रहा है। तभी तीरंदाज बोले, अरे मैं तो जानता था कि मुझे सबसे ज़्यादा तीर मतलब चलाने का अनुभव, ये तो मुझसे 500 कोस दूर का देख रहा है। तो इसकी आँखें हैं या पूरे चील की जैसे गिद्ध जैसी हैं जो 500 कोस का देख रहा है। भैया चलो हर के देख रहे हैं कि वीर ढूंढ रहे हैं, कौन है वीर, चलो आप भी मेरे साथ चलो। तो वो 100 कोस जो 500 कोस देखने वाला भैया था व्यक्ति, वो भी चल दिया भाई तीरंदाज के संग। चलते चलते रास्ते में एक उन्हें और व्यक्ति मिला। रास्ते में उसने कहा, भैया आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, जिस 100 कुंटल लकड़ी है एक गट्ठर, 100 कुंटल लकड़ी का एक पेड़ था, टूटा पड़ा था, उसने कहा मैं अभी इसे बेच के आता हूँ। तो बोले, भैया आप कितनी देर में बेच के आओगे? भैया मुझे 1 मिनट जाने में लगेगा, 1 मिनट आने में लगेगा और 3 मिनट बेचने में लगेंगे। और यहाँ से शहर कितनी दूर है? 60 कोस। भैया ये कितनी तेज चलेगा, इसे 60 कोस में बस 1-1 मिनट लगेगा, 3 मिनट इसे बेचने में लगेगा। भैया तीरंदाज और उस देखने वाले तुम दोनों लोग रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। श्रोताओं, दो वो तुरंत 1 मिनट उसे जाने में लगा, 1 मिनट आने में लगा, 3 मिनट उसे बेचने में लगे। आ गए तीरंदाज, बोले अरे ये तो हमसे भी तेज है, इतनी जल्दी लौट आया, बताओ हम तो सोचते थे कि हम ही तेज है, ये तो हमसे भी आगे लिख रहा। श्रोताओं, अगर आपने अभी तक मेरा कहानियों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कहानियाँ बनाने में। श्रोताओं, फिर तीनों दोस्त अपने आपस में उन्होंने मित्रता कर ली और चलते 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 वो एक शहर पना में पहुँचे। ये कमरा लिया भटियारी सराय में किराए पे, तो उन्होंने कहा चलो भाई सब लोग घूमने चल रहे हैं, अलग अलग अपने घूमे। उस शहर में, इस संसार में एक बाजार लगती थी, उस बाजार, उस राजा का नियम था, उस बाजार में हर चीज 100 रुपए के रेट में मिलती थी। अगर आपने मोल भाव कर लिया तो आपको राजा सजा देगा, अगर आपको कोई भी चीज़ हो 100 रुपए की मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी। अगर आपने मोल भाव कर लिया तो आपको लेना ही पड़ेगा।
श्रोताओं जो तीरंदाज थे वो निकल पड़े बाजार में, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें नींबू दिखे। भाई ये नींबू कितने का है? उन्होंने कहा भाई 100 रुपए का है नींबू। कि भाई नींबू आपका बहुत महंगा है, ये 100 रुपए का है। नहीं भाई, अब आपने भाव कर लिया तब आपको लेना ही पड़ेगा ये नींबू, नहीं तो आपको राजा फांसी पे चढ़ा देंगे। इस बाजार का ये नियम है, अगर आपने भाव कर लिया तो आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बेचारे सोचे समझे 100 रुपए निकाले ले लिए, बहुत पछताने लगे कि यहाँ तो मोल भाव भी करना बेकार है। तो अच्छा ये आपने 100 रुपए नींबू दे दिए, इस नींबू के गुड़ कहाँ हैं ये बताओ मुझे, मतलब इस किस काम में आता है जो नींबू आपका 100 रुपए का होता। तो उस नींबू बेचने वाले ने कहा भैया ये मेरा दिव्य नींबू है, अगर किसी के भी प्राण जा रहे हों, अगर उसके मरने में सिर्फ 10 मिनट बच रहे हों, तो ये नींबू आप गंगा जल में निचोर के उसे पिला दीजिए, तो वो उसके सारे शरीर के रोग नष्ट हो जाएंगे, वो राम राम करके उठ जाएगा, ये इसके गुड़ हैं। चलो नींबू ले लिया उन्हें कि चलो किसी ना किसी के काम आएगा, तो मजबूरी है लेने को। और भाई दूसरे जो थे जो देखने वाले थे, जिन्हें 500 किलोमीटर का दिखता था 500 कोस का, वो भी बाजार में पहुंचे, उन्होंने देखा चारों तरफ, उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें शीशा दिखा। उन्होंने कहा बाल काटने के लिए, मुँह देखने के लिए मेरे पास कोई शीशा नहीं है, मैं एक शीशा ले रहा हूँ। तो उन्होंने कही भाई शीशा क्या रेट है? उन्होंने कहा शीशा 100 रुपए का है। भाई शीशा आपका बहुत महंगा है, भाई आपने मोल भाव कर लिया तब आपको शीशा तो लेना ही पड़ेगा, अरे नहीं लोगे तो राजा आपको फांसी पे चढ़ा देगा, इसलिए शीशा बहुत महंगा है। भाई उन्होंने सोचा ये शीशा तो 10-5 रुपए का मिलता होगा, मगर इस बाजार का नियम है यहाँ तो हर चीज़ 100 रुपए की है। शीशा ले लिया, भैया ये बताओ ये शीशे के गुड़ क्या हैं? तो उन्होंने कहा भैया ये शीशे में अगर जो भी चीज़ आप देखोगे, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी भी हो, वो आपको दिख जाएगी। अरे उन्होंने कहा भैया 500 कोस तो मैं ऐसे ही देख सकता हूँ, ये शीशा क्या 1000 कोस? अरे तो मज़ा आ गया, 500 कोस का मैं बिना शीशा से देख लूँगा, 500 कोस मैं ऐसे देख लूँगा। उन्होंने ले लिया भैया शीशा। और जो तीसरे थे जो 100 क्विंटल मतलब लकड़ी अपने सिर पर ले जा रहे थे, उन्होंने उन्हें तो कुछ में नहीं मिला, उन्हें एक गलीचा मिला, एक गद्दा था बहुत प्यारा। उन्होंने कहा ये गद्दा कितने का है? भैया ये गद्दा तो 100 रुपए का है, इस बाजार का नियम है ये 100 रुपए की हर चीज़ मिलती है। भाई आप रुपए बहुत बता रहे, थोड़ा बहुत कम कर लो। नहीं भाई कम नहीं करेंगे, अगर कम करोगे तो अगर आपने मोल भाव कर लिया, अगर लिया नहीं तो भाई राजा फांसी दे देंगे, इस राजा की यही तो नियम है, यही खासियत है। अच्छा भैया लो 100 रुपया गलीचा, ले लिया गद्दा। इस गद्दा के भैया क्या गुण हैं? भैया इस गद्दे के एक गुण है, अगर इस पे आप बैठोगे जहाँ जाना चाहो, कहो भैया गद्दा गद्दा मुझे वहाँ पहुँचा दे, तो आप इस पे बैठ के ऊपर उड़ जाओगे, आपको पहुँचा दिया जाएगा। भाई कोई बात नहीं, उन्होंने गद्दा खरीद लिया। शाम को भैया तीनों मित्र अपने भटियारे सराय के घर पे आए और उनसे कहा भैया तुमने क्या खरीदा? उन्होंने कहा भैया मैंने नींबू खरीदा। उन्होंने कहा मैंने तो शीशा खरीदा, मैंने तो गलीचा खरीदा। तीनों मित्र उसी शहर में रहने लगे, अपनी गुजर बसर करने लगे। एक दिन की बात है, पड़ोस में एक शहर था लगभग 200 कोस की दूरी पर, वहाँ एक राजा था जिसका नाम था अजय वीर सिंह महाराज। उनका दूर दूर तक डंका बजता था, मगर उनकी एक पुत्री थी, वो बहुत ही बीमार थी, उसकी जो बीमारी थी वो सही नहीं हो रही थी, और राजा ने मुनादी लगवा दी थी हर शहर में कि अगर जो भी मेरी इस बेटी को सही कर देगा, मैं उसी के साथ इस बेटी की शादी कर दूंगा और उसे आधा राज्यपाट अपना दे दूंगा। चारों तरफ मुनादी लगवा दी, जगह जगह अखबारों पे, पेपरों पे, टेलीविज़न पे प्रचार करवा दिया। भाई दूर दूर से डॉक्टर लोग आए, वैद्य आए, विद्वान आए, हकीम आए, मगर किसी ने राजा की बेटी को सही नहीं कर सका। एक समय की बात है, एक दिन की बात है कि मुनादी करने वाले उसी शहर में पहुंच गए जहां तीरंदाज देखने वाला और 100 क्विंटल लकड़ी सिर पे अकेले उठाने वाला रहता था, उसी शहर में पहुंच गया। उन्होंने देखा कि भाई इस लड़की की शादी हो जाएगी, आधा राज्यपाट मिलेगा। तभी जो उनका मित्र था शीशा देखने वाला, उससे कहा मित्र देखो यहाँ से कितनी दूर है राज्य। शीशा में उसने देखा महाराज यहाँ से तो लगभग दोस्त 200 कोस लगभग दूर है, और मैं तो 500 कोस का भी देख सकता हूँ। और जब पता लगा कि उसके मरने में सिर्फ मात्र 10 मिनट हैं, गलीचा वाले से कहा देखो कितनी दूर है,
यहाँ से 200 मीटर कितनी दूर लगे, कितनी देर लगेगी? कहीं बस 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। तीनों लोग उस जो गद्दा था उस गलीचे पे बैठ गए और राजा के दरबार में पहुँच गए। क्योंकि भाई गलीचा शक्ति वाला गलीचा था, उड़ने वाला गलीचा था। पहुँच गए तीनों लोग वहाँ और राजा से कहा, मैं आपकी बेटी को सही कर दूँगा। भाई ठीक, अब सही कर देंगे, 10 मिनट में रह गए वहाँ। चार मिनट रह गए दोस्तों श्रोताओ, मतलब चार नहीं, लगभग 6 मिनट रह गए थे टाइम। अब 6 मिनट उनके पास टाइम पे क्या, मगर अब गंगा जल नहीं है। तभी उन्होंने जो शव को तो मतलब बहुत तेज चलने वाला था लकड़ी गट्टर, उससे कहा जाओ गंगा जल ले आओ। वो चल दिया, उसने कहा 1 मिनट जाने में और 1 मिनट भरने में, 1 मिनट आने में मुझे 3 मिनट लगेंगे। चल दिया गंगा जल लेके। जैसे ही वो आधा मिनट रही हुआ गंगा जल लेके भर के और चला गया। उसने कहा अभी तो मुझे 1 मिनट बाकी है पहुंचने में, तब तक मैं आराम कर लूंगा। उसने एक पेड़ के नीचे वो आराम करने लगा। उधर टाइम 2 मिनट रह गए मुश्किल से। तभी उसने नींबू निचोड़ने वाला तीरंदाज का, भैया देखो शीशे में देखो कहाँ रह गया दौड़ने वाला। उसने देखा कि वो पेड़ के नीचे सो रहा है शीशे में देखा, और उसके ऊपर एक नाग देवता है, वो उसे खाने को जा रहा है। अरे ये तो अचंभा, मेरा मित्र मर जाएगा, इसे नागदेव खा जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ पे सो रहा है, ऊपर से नांग आ रहा है। तभी शीशे वाले से उस तीरंदाज ने कहा कि देखो इसकी नाक दबा लो। जब शीशे वाले ने उस सर्प की शीशा में उंगली लगाई और वहाँ उसकी नाक दब गई, तीरंदाज ने अपना तीर निकाला और तुरंत जब वहीं से तीर चलाया, क्योंकि उसकी तीर की क्षमता बहुत लंबी थी, तुरंत सांप के तीर लगा जाके नाक में सीए सर्प के टुकड़े टुकड़े होकर और उसी के जो गंगा जल हाथ में लिए थे बहुत तेज चलते उसके ऊपर गिर गया। तुरंत वो जागा, उसने कही अरे ये तो टाइम होने वाला है, लग रहा है ये मेरे मित्र ने इस सांप को मारा है। तुरंत वो भागते हुए गया, उसने देखा अरे 1 मिनट बचा है शेष। 1 मिनट में उन्होंने गंगा जल में नींबू नचोड़ा और उस लड़की को पिला दिया, और लड़की की जो उसकी राजा की पुत्री थी सारे रोग कष्ट दूर हो गए और लड़की सुरक्षित मतलब स्वस्थ हो गई। श्रोताओं जब लड़की स्वस्थ हो गई, राजा ने घोषणा की थी जो लड़की मेरी सही कर देगा उसके साथ मैं शादी कर दूंगा। अब आप लोग बताओ, एक लड़की और 3 लड़के, बताओ किसके साथ होगी शादी? क्योंकि आपको बताते चलें, जो तीनों लड़के थे, तीनों पुरुष थे, इनके तीनों की ऑलरेडी पहले से ही शादी हो चुकी थी। फिर इन लोगों ने राजा से कहा, भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, आपका राजपाट भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप दौलत दे दो थोड़ी बहुत, मैं आपके यहाँ दौलत भी नहीं लूँगा, मुझे आप लोग अपने यहाँ, राजा से कहा मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने तीनों को एक वजीर का पद, एक सेनापति का पद, एक को लेखागार पद मतलब अकाउंटेंट भाई खाता, तीनों को अच्छी अच्छी नौकरी अपने दरबार में दे दी, जिससे उन लोगों का परिवार और गुजर बसर सही से चलने लगा। श्रोताओं अगर आपको एक कहानी छोटी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।